नमस्कार, जनहित देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज एक ऐसी समस्या पर हम बात करेंगे जिससे हम सब कहीं ना कहीं जूझते हैं। जी हां, बात ट्रैफिक जैम की कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक जैम एक बड़ी समस्या, कैसे होगा समाधान, कब मिलेगा छुटकारा? जी हाँ, ये सारे सवाल जहन में दस्तक देने लगते हैं जब हम किसी ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। कोई भी समाधान की उम्मीद करना अपने आप में बेमायने सा लगता है। ट्रैफिक जाम वो स्थिति है जब सड़कों पर कुछ समय के लिए वाहनों को पूरी तरह से रोक दिया जाता है, या फिर ऐसा कहें कि ट्रैफिक रुक जाता है। साथ ही वाहनों को जाम से निकलने के लिए काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है। कभी कभी तो ये जाम इतना भयंकर हो जाता है कि खुलवाना मुश्किल हो जाता है। ट्रैफिक जाम सभी शहरों में एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, जिससे निपटना बेहद ही जरूरी है। लेकिन कैसे, ये बड़ा सवाल है और इस सवाल पर बात करना कोई भी मुनासिब नहीं समझता। ऐसे में खबर फास्ट ने ये जनहित मुहिम शुरू की है ताकि जनता से जुड़ी समस्या प्रशासन और सरकार दोनों के कानों तक पहुँचे। कोई भी चैनल इस समस्या को नहीं दिखाता। लोग जाम से परेशान है, घर से निकलो जाम में फंस जाओ, एक दो तीन तीन घंटे तक जाम में फंसे रहो, ट्रैफिक पुलिस भी लाचार है। लोग बिना सोचे समझे अपनी गाड़ी कहीं खड़ी कर देते हैं और खबर फास्ट इस समस्या को उठा रहा है। हम खबर फास्ट का धन्यवाद सर। खबर फास्ट ने जो ये मुहिम उठाई है ट्रैफिक को लेकर, हम इससे बहुत खुश हैं क्योंकि आज के टाइम में ट्रैफिक जाम इतनी बड़ी समस्या बन चुका है, कोई इस पर बात करना नहीं चाहता। लेकिन खबर फास्ट ने ये मुद्दा उठाकर बहुत ही बढ़िया काम किया है। हर आदमी चाहता है कि इस जाम से निजात पाया जाए, क्योंकि इससे आज के टाइम में फ्यूल कितना महंगा हो गया है। फ्यूल सबके रेटों से पहले ही जनता जूझ रही है और ऊपर से ट्रैफिक जाम हो और उनको परेशान कर देता है। जैसे कि इसके अंदर कोई एम्बुलेंस वगैरह हो तो उनको भी बड़ी परेशानी आती है, कोई पेशेंट एमरजेंसी के अंदर हो तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सरकार को चाहिए कि इस जाम से निजात दिलाने के लिए नए कड़े कदम उठाए, या वो फ्लाई ओवर हो या वो शहर के बीचों बीच जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उनके लिए कोई काम किया जाए। हम चाहते हैं खबर फास्ट इस मुहिम को आगे तक लेके जाए ताकि सरकार इसके ऊपर अपना कोई नया विचार रखे या उसके लिए कोई काम करे। यहाँ पर शहर के अंदर ट्रैफिक की बहुत ही समस्या है, यहाँ पर आने जाने में बहुत ही टाइम लग जाता है और कई लोग ऐसे हैं रास्ते में गाड़ी खड़ा देते हैं, जिससे कि कम से कम काफ़ी समय लग जाता है। लोगों को अपनी अवस्था सुधारनी चाहिए, लोगों को गाड़ी का ध्यान रखना चाहिए, साइड में या कहीं पार्किंग में लगाना चाहिए जिससे आने जाने वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो। किसी शहर में चले जाएं, सभी जगह ट्रैफिक की समस्या है। ऊपर क्षेत्र लगा लो या बेवा लगा लो, बेवा के अंदर थर्ड गेट से ले गए पीपड़ी तक बहुत ही अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर ये समस्या है, जिससे हमें इसके लिए कुछ व्यवस्था बनानी चाहिए सरकार ने या पब्लिक ने कुछ ऐसा करना चाहिए, गाड़ी साइड में लगा के या पार्किंग में लगा के कुछ ना कुछ इसके लिए करना चाहिए।
जो खबर फास्ट ने ये मुहिम चलाई है, हम खबर फास्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जनहित में बहुत से प्रोग्राम खबर फास्ट चलाता आ रहा है, लेकिन जाम की जो स्थिति है बहुत बड़ी स्थिति बनी हुई है। जाम में लोग फंस जाते हैं, कहीं पर भी लोग गाड़ी खड़ी कर जाते हैं, ट्रैफिक में कई कई घंटे लोग फंसे रहते हैं, और देखा जाए तो कई सड़कों के बीच में ही गाड़ियाँ खड़ी कर जाते हैं, जिससे एम्बुलेंस में कई बार मरीज जाते हैं, उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। एयरपोर्ट की बात करें तो लोगों को एयरपोर्ट की महंगी महंगी टिकटें होती है, लेकिन उस समय पर नहीं पहुंच पाते। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो पुलिस वाले भी जाम में खुलवाने में लाचार हैं। सरकार को उस पर कड़े संज्ञान देने चाहिए और ऐसी व्यवस्था बनानी दे देनी चाहिए कि जाम ना लग सके। खबर फास्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। शहरों में ट्रैफिक जाम का बड़ा संकट है। हर दिन लोग ट्रैफिक जाम से जूझते रहते हैं, मगर जाम से निजात दिलाने के दिशा में पुलिस और प्रशासन के पास कोई रणनीति नहीं दिख रही है। नतीजा, लोग परेशान रहते हैं। हालांकि अधिकारियों का काफिला जाम में नहीं फंसता है, क्योंकि उनके आगे पीछे स्कॉट रहता है। गाड़ी पर सवार अत्याधुनिक हथियारों से लैस जवान अधिकारियों के काफिले को जाम से निकाल देते हैं। इसके बाद फिर वही समस्या, लोग इससे दिन रात जूझते हैं। सब कभी न कभी ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। जाम में अटक जाएं तो लगता है कि ट्रैफिक की लाइट बदल ही नहीं रही है। कई बार मीलों लंबी लाइनें लग जाती हैं। धीमा चलता ट्रैफिक दम घोटता सा मालूम होता है। रिंगता हुआ ट्रैफिक आज की बेइंतहा तेज रफ्तार जिंदगी का अटूट हिस्सा बन गया है। सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ट्रैफिक जाम दूर करने वाले सिस्टम इस भीड़ से निपटने में नाकाम साबित हो रही है। वजह हो तो बात समझ में भी आती है, लेकिन बिना वजह ही लगे जाम में घंटों फंसे रहना तकलीफ देता है। अनुमान के मुताबिक 2015 में दुनिया भर में 1.3 अरब गाड़ियां थी, लेकिन अब विकासशील देशों में गाड़ियों की बिक्री के हिसाब से माना जा रहा है कि 2040 तक दुनिया भर में करीब 2 अरब गाड़ियां सड़कों पर होंगी। अगर सड़कों पर इतनी गाड़ियां होंगी तो जरा सोचिए कि जाम की हालत क्या होगी। तो हम सब इस बात को बखूबी जानते हैं कि जाम की समस्या बेहद गंभीर होती जा रही है, लेकिन क्या इससे बचने का कोई उपाय है? ये सवाल जब उठता है तो दिल और दिमाग सन्न रह जाता है। शहर में जाम की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। इस अहम समस्या पर ट्रैफिक सिस्टम जहां गंभीर नहीं हो रहा है, वहीं कई अन्य स्तरों पर भी उदासीनता बढ़ते जाने से समस्या को लगातार बल मिल रहा है। इस पूरी त्रासदी से निपटने के लिए आम लोगों को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। हालांकि प्रशासन के आला स्तर से कई दफा इस मसले पर निदान के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, लेकिन स्थायी तौर पर इसके निदान को लेकर कुछ खास नहीं हो रहा है। कैसे मिलेगा जाम से छुटकारा? जाम से निपटने के लिए जिला प्रशासन को सीधे तौर पर हस्तक्षेप करना होगा। इसके लिए जिले के आला अधिकारियों को संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर कोई ठोस रणनीति बनाकर उस पर अमल करना चाहिए। ट्रैफिक का जिम्मा संभाल रही ट्रैफिक पुलिस को गंभीरता दिखानी होगी। व्यस्त चौक चौराहों पर सख्ती से पेश आना होगा। तो चलिए अब एक एक करके आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि ट्रैफिक जाम को लेकर जनता क्या कहती है। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की करते हैं। देश की राजधानी में ट्रैफिक जाम की भारी समस्या है, जिसकी वजह से आए दिन राजधानी वासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जगह जगह लगने वाला जाम लोगों की परेशानी को बढ़ा रहा है।
जिसे लेकर जनता काफी परेशान है। लेकिन दिल्ली सरकार भी इस बात से पूरी तरह वाकिफ है और लोगों को जाम से छुटकारा दिलवाने के लिए उन्होंने भी साल 2019 में इस पर बात की। क्या कहा था दिल्ली सरकार ने राजधानी में बढ़ते ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर, चलिए आपको सुनवाते हैं। ट्रैफिक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ट्रैफिक 100% सॉल्व किया जा सकता है। बहुत बड़े बड़े शहर है दुनिया के जो अपनी ट्रैफिक की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से ट्रैफिक को ईज किया जा सकता है। उसके ऊपर अब हम स्टडी करेंगे और मैं पर्सनली इस पे लगूंगा। मैं देख रहा था, अगर आप गूगल मैप उठाएं शाम के टाइम में, तो आपको पूरे दिल्ली के नक्शे के ऊपर दिखाई दे जाता है कि कहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक है। तो वो बॉटलनेक्स हो गए हैं। जैसे दिल्ली की सड़कें बहुत चौड़ी हैं। आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में या वेस्टर्न कंट्री में चले जाइए, उनकी सड़कों से ज्यादा चौड़ी दिल्ली की सड़कें आपको मिलेंगी। दिक्कत ये हो गई है कि हमारी 4 लेन की सड़क अचानक थोड़ी सी आगे जाके 3 लेन में कन्वर्ट हो जाती है, फिर थोड़ी सी आगे जाके फिर 6 लेन बन जाती है। दिस इज नॉट अ गुड डिजाइन। ये बॉटलनेक्स क्रिएट कर देता है। अगर वो सड़क 4 लेन की बजाय 3 लेन ही रहे और थ्रू आउट 3 लेन रहे, तो वो नॉर्मल ट्रैफिक चलता रहता और बड़ी तेजी से चलता रहता। इन सड़कों को रीडिजाइन करने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे अगर माइनर चेंजेस कर दिए जाएं, तो वो ट्रैफिक के जो कंजेशन है उसको दूर किया जा सकता है। जो हाल देश की राजधानी में है, वही हाल हरियाणा में भी है। अलग अलग जगहों से आती तस्वीरें इस बात की गवाही देती नजर आती हैं कि जाम के हालात हर जगह हैं। हमारी रोहतक की टीम ने इस विषय पर ट्रैफिक पुलिस से और लोगों से बातचीत की है। उन्होंने ट्रैफिक जाम को लेकर क्या कहा, वो आपको सुनवाते हैं। रोहतक, ट्रैफिक जाम की पड़ताल, जाम की सच्चाई क्या है? खबर फास्ट की जनहित टीम रोहतक में पड़ताल कर रही है कि आखिर रोहतक के अंदर जाम कहां कहां लगता है। उसके तहत हम अलग अलग जगह पर गए और देखा कि जाम जिस तरह से अलग अलग, हमने बस स्टैंड को देखा, पुराने बस स्टैंड को देखा, मेडिकल मोड़ को देखा, सिलाबाई पास चौक को देखा और अलग अलग जगह पर आउटर किला रोड की बात करें वहाँ भी जाम लगता है। और इस वक्त हम पहुँचे हैं भिवानी स्टैंड पर। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि किस तरह की यहाँ की स्थिति है। अक्सर यहाँ पर जाम सुबह शाम देखा जाता है, रेहड़ियाँ किस तरह से जो है आती हैं और वहाँ पर आधे से ज़्यादा सड़क जो घेर लेती है। हालांकि दावे किया जाता है कि पुलिस द्वारा पूर्ण रूप से यहाँ पर जाम मुक्त रहने के लिए जो है पुलिस व्यवस्था यहाँ पर सुचारू रूप से है। मैं दिखाना चाहूँगा कि अभी भी किस तरह से जाम लग गया, लंबा जो है जाम देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लग जाता है। हम बात करेंगे कर्मचारी से, यहाँ पर आप तैनात हैं तो किस तरह की स्थिति रहती है हमेशा? बढ़िया स्थिति रहती है, बढ़िया पुलिस सहयोग से, बढ़िया ट्रैफिक के बारे में बढ़िया सिस्टम चल रहा है। तो यहाँ पर अक्सर जाम देखा जाता है, अब भी जाम लग रहा है, कितने लोगों की ड्यूटी यहाँ पर लग रही है? जाम तो लगती है, 5-7 पुलिसकर्मी तो डेली रहते हैं और जाम की तो व्यवस्था बढ़िया रहती है शहर के अंदर। बिल्कुल रामेर, जिस तरह से व्यवस्था की बात की जाए तो शहर के अंदर अलग अलग जगह पर कितने लोगों की ड्यूटी तकरीबन लगाई जाती है? चार पाँच पुलिसकर्मी तो रहते ही हैं हर पॉइंट पर। तो इससे निपटने के लिए क्या जो है तैयार किया गया, अभियान किस तरह से चलाए गए हैं और रोड मैप की बात करें तो क्या रोड मैप तैयार किया गया है? रोड की तो क्या ऐसी बात है, कोई ट्रैफिक को इतना जाम लगा रहता है, लेकिन पड़के होते वारा ऊपर को चले ले जाए तो ये ऑटो ज़्यादातर भीड़ लगा रहती है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत ऑटो चालकों की है और उसके अलावा की भीड़ रहती है शहर के अंदर, सिर्फ ऑटो का भीड़ रहता है और कोई भीड़ नहीं। रेहड़ी की अगर बात करें तो बीचों बीच भी रेहड़ी कई जगह खड़ी रहती है, तो उसको लेकर क्या किया? रेहड़ी भी रोड के ऊपर लगती है और दुकानदार अपना सामान रोड पर ही रख लेते हैं, भीड़ तो ज़्यादातर ये दुकानदार और ऑटो लगाती है। उसको लेकर के कोई अभियान नहीं चलाया गया? अभियान तो ये कमेटी वाले चलाओ, को क्या करे सरकार के ऊपर निर्भर है जी। तो काफ़ी जो है समस्या जो जाम की है रोड। हाँ जी बिल्कुल, रोड की समस्या, रोड के ऊपर जो समस्या काफ़ी जाम की, यही मेरा कहना है। यहाँ अक्सर जो देखा गया है कि यहाँ पर हर रोज़ जो भारी जाम लगता है, पीछे भी आप दिखा सकते हैं काफ़ी लंबी कतारें लग जाती हैं, उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर जाम इतना होता है कि चलना मुश्किल हो जाता है। 2-व्हीलर की बात करें या 3-व्हीलर की बात करें तो बहुत दिक्कत होती है। ये जिस तरह से लोग जा रहे हैं, हम इनसे भी बात करें, यहाँ समस्या जो जाम की खास तौर पर रहती है, जिस तरह से समस्या जाम की रहती है, कितनी परेशानी होती है साहब? हम तो ड्यूटी पर था, आना इतनी परेशानी रहो है, इससे ज़्यादा परेशानी रहो है। पुलिस कार्रवाई नहीं करती क्या? पुलिस प्रशासन ने नहीं कर रहा है कार्रवाई,
नहीं तो प्रशासन रेडी रेडी आने नून सरकवा दिए प्रशासन तो फिर आप चीड़ हो जाए। पुराने शहर के अंदर जितने भी मार्केट्स हैं उन सब के अंदर पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, जगह जगह जाम लगे रहते हैं, कोई रोड मैप नहीं है इसके लिए कि भाई उन जामों को किस तरह से छुटकारा दिला जाए। आम आदमी टू व्हीलर वाला बहुत परेशान है, ऊपर से पेट्रोल की मार पड़ रही है, 100-125 रुपए लीटर होता जा रहा है, जाम की स्थिति पूरी बनी रहती है। रोहतक में जाम लगा ही रहता है, जब भी देखो आप ऑटो का जाम, लंबा लंबा जाम यहाँ पे लगा रहता है। चाहे आपको अगर हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि अगर किसी को एमरजेंसी हो, बहुत सी बार हमने केस देखे हैं कि एम्बुलेंस यहाँ पे खड़ी रहती है, सायरन बजते रहते हैं लेकिन आगे से लोग हटते नहीं हैं, वो भी क्या करें। पुलिस भी खड़ी होती है लेकिन जो है थोड़ा सा लोगों का चलाने का तरीका भी, जो ऑटो हैं ऑटो की संख्या बहुत ज़्यादा है, इस पर थोड़ा सा गवर्नमेंट को करना चाहिए फोकस कि ऑटो की जो है, इवन ऑड किया था इवन उसके बाद भी जो है रश यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहता है, थोड़ा ऑटो को इस तरह से किया जाए कि एलिवेटेड रोड्स हैं, ऑटो का ऊपर से ही किया जाए दोबारा से, तो मेरे अकॉर्डिंग उससे थोड़ा सा ट्रैफिक कम होगा। अपना रेलवे स्टेशन वाला रोड है, मेडिकल पीजीआई जहाँ के जो पीजीआई का रास्ता है मेडिकल मोड का, वहाँ जाम नहीं होना चाहिए लेकिन वहाँ पे भी बहुत जाम मिलता है, बहुत दिक्कत है ट्रैफिक को लेकर, तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा इसमें करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और स्टेशन पर जाओ स्टेशन पर भी जाम मिलता है, लगातार जाम की स्थिति बनाई रहती है। अधिकारियों से इस बारे में हम बात करेंगे कि अधिकारियों को क्या कहना है, किस तरह के नियम यहाँ पर कानून है, कायदे हैं ताकि जो जाम ना लग पाए, इन सब चीज़ों को लेकर के हम बात करेंगे। बात करेंगे यहाँ के सब इंस्पेक्टर हैं जो जहाँ से हम उनसे बात करेंगे, सुरेश जी, सुरेश जी से हम बात करेंगे, सुरेश जी सबसे पहले स्वागत है आपका खबर पास। सुरेश जी, लगभग रोहतक की अगर बात करें तो कितने पुलिस कर्मचारी जो लगाए गए हैं जो जाम जान पाएंगे? सेंट्रल और सिटी एरिया में दो जगह एलिजिबल किया हुआ है, सेंट्रल एरिया और सिटी एरिया। सिटी एरिया में करीब 40-50 लोग आदमी काम कर रहे हैं ट्रैफिक के लिए, और जो यहाँ रोंग पार्किंग में खड़े कर देते हैं वाहन, उनका हम चालान करते हैं, रोंग पार्किंग में रोक लगा देते हैं। तो अभी हमने देखा कि लोग आपने लगाया है, लेकिन शहर की अगर जाम की स्थिति करें तो लगातार बढ़ती रहती है, उस पर ये किसी तरह का कानून बनाया गया है कि किसी तरह रोड मैप तैयार किया गया है? सारे पॉइंटों पे ट्रैफिक पुलिसकर्मी लगाए हुए हैं, जैसे अब वर्तमान में स्थिति बहुत अच्छी तरह से काबू है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या पुलिस जो इस पर एक्शन लेगा, क्योंकि अलग अलग तस्वीरें रोहतक की हैं और उसमें खास तौर पर जाम की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। रोड मैप की बात की जाती है, तैयार किया जाता है, लेकिन स्थिति बद से बदतर रोहतक की होती जा रही है। जितेंद्र पांचाल, खबर फास्ट न्यूज, रोहतक। वक्त उचला, छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। My journey of insurance and investments began at the same time when I invested in LIC SEEP. In this fast-moving world, SEEP can balance your funds with security and growth. SEEP will take care of the ups and downs of the market and will give you fruitful results so that you enjoy the ride. And when SEEP is with you, you can soar high. LIC's unit-linked insurance plan SEEP offers savings and protection so that you can soar high in your life. LIC, har pal aapke saath. न हल्ला न बवाल, सीधा सवाल, बड़ा मुद्दा, हर शाम 7:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। कबीर अमृतजाइन सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ एक ही बोतल में 3 कोड़, लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके है कई फायदे, शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक, आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग, आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृत जाइम सिरप। मोटापे की समस्या से परेशान? खराब लाइफस्टाइल से बढ़ रहा है मोटापा? डॉक्टर ओमपाल सैनी ASMO सिविल अस्पताल करनाल, डॉक्टर रघुवीर सिंह शांडिल्य CMO सिविल अस्पताल भिवानी,
देंगे आपके हर सवाल का जवाब। कॉल करें और कार्यक्रम में सीधे जुड़ें 0116680770 0116680770 2। देखिए आपका डॉक्टर आज शाम 6:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। बिजली, पानी, गलियां या फिर हो विकास की बात, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क या फिर हो दस्तावेजों से जुड़ी कोई भी समस्या, होती है गहराई से पड़ताल, उठती है हर आवाज। देखिए जनहित सोमवार से शुक्रवार शाम 5:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। न हल्ला न बवाल, सीधा सवाल, बड़ा मुद्दा, हर शाम 7:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते आगे बात करेंगे साइबर सिटी की, जहां जाम के हालात कैसे हैं, जाम की वजह से लोगों को कितनी और क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, वो आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। गुरुग्राम, कैसे हैं ट्रैफिक जाम के हालात, क्या कहती है जनता, क्या कहती है पुलिस? मिलेनियम सिटी के नाम से पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश के अंदर एक अपनी जगह बनाया हुआ गुरुग्राम, लगातार जिसको साइबर सिटी भी कहा जाता है, अब वो जाम की सिटी बनता जा रहा है, जहां पर जो लगातार जाम की स्थिति है उससे आम जनता जो है वो बेहद परेशान हो रही है। गुरुग्राम के अंदर लाखों जो वाहन हैं वो सड़कों पर रोज़ाना दौड़ते हैं, जिससे कि एक आम जन का 5 मिनट के लिए बाहर जाना भी 1 से 1.5 घंटे में तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से आम जनता से लेकर हर जो नुमाइंदा है सरकारी, वो भी जो है परेशान है। हम देखते हैं कि आखिर आम जनता जो इस जाम की समस्या से परेशान है, उनको इसकी वजह क्या लगती है और वो लोग इससे कितने दुखी हैं। मैं शैतान सिंह राघव, गुड़गांव का बहुत बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल। इतना ट्रैफिक और कोई मतलब प्रशासन की इतनी वो नहीं है, पुलिस वाला आते हैं दिखाने के लिए, कुछ करते नहीं। करें क्या, जाम इतना वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि मर्जी आप वही गाड़ी खड़ी करके जाए, जब पार्किंग ही नहीं है तो गाड़ी कहाँ खड़ी करेगा, रोड पे गाड़ी खड़ी करके आदमी जाओगे और रोड पे खड़ी करेगा तो जाम लगेगा। इस मारी बहुत भारी वो है, किसी ने अस्पताल जाना हो तो बेचारा रास्ता में ही मर लेगा। गुड़गांव को बहुत बुरा हाल है। ये है कि जैसे कि पार्किंग की बहुत भारी समस्या है, 3 साल से यहाँ पे पार्किंग अभी तक बनी नहीं है, अभी तक पार्किंग का काम चल रहा है और अवैध निर्माण के कारण भी हो सकता है कि जाम लगा रहता है। और मेन है कि मेन रोड पे गाड़ी लगा के लोग बाज़ार में जाते हैं, इस कारण समस्या बहुत भारी हो रही है। गुड़गांव में क्या है, पूरे देश की हालत है और गुड़गांव में ज़्यादा ख़राब है। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि सड़कें कम चौड़ी हैं, लोगों ने सड़कों पे इंक्रोचमेंट कर रखा हैगा और लोग जगह जगह गाड़ी पार्क कर देते हैं बिना देखे हैं। ऑथोराइज पार्किंग में कोई गाड़ी पार्क नहीं करता है और उसके बाद जो जगह बचती है उस पर रेड़ी खोमचे वाले हैं ये लगा देते हैं, और साथ में दूसरा जो लोग आते हैं इनके साथ खाने पीने के लिए वो भी अपनी बाइक वगैरह वही लगा देते हैं कि पूरी की पूरी सड़क जाम कर देते हैं। पैदल चलने वालों के लिए कोई जगह नहीं है, बेचारों को अपनी जान हथेली के ऊपर रखकर सड़क पर चलना पड़ता है पैदल चलने वालों को। तो है इसमें तो प्रशासन को है कोई सख्ती बरतनी पड़ेगी ताकि ये सब सड़कों पर इंक्रोचमेंट ख़त्म करवाई जाए, अनऑथराइज पार्किंग ख़त्म करी जाए और जो ये जो खोमचे वगैरह लगते हैं इनके लिए कोई जगह वगैरह बनाई जाए सड़कों पर, इनको बिल्कुल भी अलाउ ना किया जाए। सर, दिन पे दिन हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जिस प्रकार हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसी प्रकार से हमारी आवश्यकताएँ भी बढ़ रही हैं। तो मेरा सबसे अच्छा मोटिव ये लगता है कि यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ है आधुनिकीकरण। जैसे पहले के ज़माने में लोगों में
उतना विकसित नहीं था। विकसित नहीं था तो हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहता था। लेकिन आज के ज़माने में क्या है कि गाड़ियां मोटर बढ़ रही है, दिन पे दिन गाड़ियां मोटर बढ़ रही है, जिस कारण से जाम लगने का सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। लोगों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण लोगों को ख्वाहिशें हो जाती है, मुझे मोटर कार चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो इसी वजह से सबसे बड़ा जाम लगने का कारण ये है। और भी जाम लगने के कारण ये हो सकते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि, गाड़ियों में वृद्धि इत्यादि आप कह सकते हैं। स्थिति ये है, जो टोल है हमारा दिल्ली वाला, उस पर अगर हम जाम में फंसते हैं शाम को 5:30 बजे के बाद, तो अंदाजा 2-2.5 घंटे तो हमें टोल पार करने में लग जाता है। वो पूरा लगता है शंकर चौक से लेके और वो टोल तक। सबसे बड़ी दिक्कत है वहाँ टोल की। अच्छा। टोल वाले रोड पे भी खड़े होके जाम ऐसा लगवाते हैं गाड़ियाँ खड़ी करके करके, वो तो पूरा टोल समझ लो जाम ही रहता है शाम को 5:30 बजे के बाद। बहुत बुरी हालत हो जाती है, ये लगा लो क्लीच ब्रेक दबा दबा के हमारे पैर दर्द कर जाते हैं। यहाँ की स्थिति जो है ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है। अभी मैं सेक्टर 15 से सेक्टर 70 में भी गया था, सेक्टर 37 में भी गया था, वहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक लगता है। यहाँ की ट्रैफिक जो लाइट्स हैं वो ख़त्म है। और यहाँ पे अगर हम राजीव चौक की बात करें, पीछे जो रोड है मस्जिद के आसपास, तो यहाँ भी बहुत सारे रोडों पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है चलने में। भाई ट्रैफिक ज़्यादा है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बाजार ये सड़कें रोड कम हैं, सबका ये सबने अतिक्रमण किया हुआ है, इस वजह से जाम लगता है। तो कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है? तो परेशानी है, सड़क भी पार नहीं की जाती, बड़ी मुश्किल से सड़क पार करी जाती है। इस समस्या यही है, ट्रैफिक जाम रहता है इस कारण। और माँ ये जगह जगह जो खड्डे खुदे पड़े, सीवर खुदे पड़े, टूट फूट जो हो रही हैं, इस वजह से मतलब जाम हो जाता है। आमजन को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, सारे दिन परेशानी होती है, दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा है, सारे दिन जाम लगा रहता है, आदमी निकल नहीं पाता है। क्या कारण है, क्यों लगता है? ये कारण ये है कि छोटे रोड पड़ रहे हैं बिल्कुल ही है। गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई हैं, लोगों की प्रायोरिटीज़ बढ़ गई हैं, उस वजह से जाम लगता है। बेसिक नेसेसिटीज़ की वजह से जाम लगता है। लोग एक बंदा जा रहा है गाड़ी में, एक ही बंदा है, उसकी वजह से जाम लगता है, ये वजह है। जाम की इतनी भारी समस्या है गुड़गांव के अंदर, जिसका कोई भी निजाम नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि प्रशासन ने किसी भी प्रकार का वो क्या ना पार्किंग का इंतजाम नहीं है। सब जहाँ भी पार्किंग की सुविधा दी हुई है वो सारी जो है अंडरटेकिंग है, वो 5-5 साल से काम चल रहा है और 5 साल आने वाले टाइम में भी काम नहीं होने की लग रही है संभावना। जैसा कि हमने देखा कि आम जनता कितनी ज़्यादा जो है वो इस जाम की वजह से, गुरुग्राम में लगने वाले जामों की वजह से परेशान है। चाहे वो हाईवे हो या फिर गुरुग्राम के वो चौक जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है, लेकिन जाम की स्थिति से यहाँ पर हर आम नागरिक जो है वो बेहद परेशान है। कोई 4-व्हीलर वाला हो या 2-व्हीलर वाला या फिर रिक्शा वाला, हर व्यक्ति जो है इस बात को कहता हुआ नज़र आ रहा है कि जाम जो है वो गुरुग्राम की एक बड़ी समस्या जो है वो बनता जा रहा है। लाखों वाहन जो है सड़कों पर दौड़ते हैं, लेकिन ये जो लाखों वाहन हैं उनके दौड़ने की वजह से जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी लगातार ये कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जाम को जो है वो थामा जा सके, जाम को जो है वो हटाया जा सके। ट्रैफिक पुलिस तमाम तरीके इंतज़ामों में लगी हुई है, लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर गुरुग्राम को क्या इस जाम की स्थिति से निजात मिल पाएगी, क्या वो दिन भी आएंगे कि गुरुग्राम में जो है जाम की स्थिति ना पैदा हो। कैमरा पर्सन विजय के साथ मैं शिवानी लोहिया, खबर फास्ट, गुरुग्राम। फिलहाल जनहित में इतना ही, देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।